नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। लोकसभा में पास हुए 3 किसान बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा कपूरी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और वहीं सरकार पर आरोप लगाया गया कि किसान के साथ ठगी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा कपूरी चौक पर हाल ही में लोकसभा में पास हुए 3 किसान बिल में से 2 बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। उसी के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शब्बे नवाज ने बताया कि किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी। इस बीच जिला मीडिया अध्यक्ष फवाद गजाली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसान ही है जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार है, ताकि ना तो उन्हें MSP व हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। इस तरह से गलत तरीके से बिल को पास किया गया है और केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में आकर बिना किसानों की आवाज़ सुनकर अपने जिद पर आकर किसानों के खिलाफ ये बिल को पारित किया है। इससे किसान का सीधा सीधे नुकसान है, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर किसान को फायदा नहीं होगा तो हम आम आदमी जो हैं, पूरे देश में जो आम आदमी है, उस तक बहुत नुकसान पहुँचेगा। मेरा यही मानना है कि केंद्र सरकार ये जो बिल वापस जो बनाई है इसको वापस ले, नहीं तो ये बड़े आंदोलन में तब्दील होगा। हमारी पूरी पार्टी ये इसके खिलाफ है और हम सब एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इनका पुतला दहन किया और कहां पर? जी, आज हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और इसी तरह से अगर हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुना गया तो आगे भी ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी। जी, मेरा नाम है फवाद गजाली, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ दरभंगा से। तो किसान के लिए जो अभी राज्यसभा से बिल पास किया गया है, बिल को पास करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही गलत थी और उसे निराधार तरीके से पास किया गया है। उस बिल के यानी विरोधी बिल के खिलाफ हम लोग पूरे भारत में इस तरह से आज पुतला दहन किया हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस पुतले दहन के साथ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों के बीच आक्रोश किस तरह से है। जनता जो थाली में अपने अन्न को परोसती है, खाती है, इसके जो अन्नदाता हैं उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका किस तरह से शोषण हो रहा है, इस शोषण के खिलाफ ये आक्रोश एक लड़ाई है, एक उग्र आंदोलन है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस पास किए गए बिल पर कोई संशोधन ना करे। कहाँ पर पुतला दहन किया? जी, ये पुतला दहन हम लोगों ने अभी मेडिकल चौक से आकर के कर्पूरी चौक दरभंगा लहरियासराय में किया है। और मैं चाहता हूँ इस मीडिया माध्यम से कि ये आवाज़ संसद तक जाए और सरकार इसे पुनः स्थिति लेने के लिए जागृत हो। धन्यवाद। मैं शरणवाद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दरभंगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।